Assalamualaikum beautiful people, welcome to another vlog. Guys, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी family history. And the reason to that is that I haven't ever mentioned about my family, and which I thought is necessary for a vlogger. He needs to tell the viewers something about himself, some background information, etc., etc. So before doing that, I've noticed something that my hair isn't looking good. बहुत लंबे हो गए हैं बाल यार मेरे. चलो एक ट्रिक करते हैं यार. 1, 2, 3 and trick. So guys, I'm finally about to tell you about my family, starting from my father. My father's name is Kamal Ahmed, and he currently works at an oil company called Miking Oils, which produces oil from automobiles. And before that job, he had worked in different banks for around 15 years. So he also has this banking experience of 15 years. And he has got his education from Government College, University, Lahore. And he himself is also from Lahore, basically. My mother's name is Sheher Bano. She is currently a housewife. And she has, before that, she has taught in several schools, including Convent of Jesus and Mary. She herself has started basically from Convent of Jesus and Mary. Talking about my other family members, which are my three sisters, basically. So my three sisters, all three of them are elder than me, or all three of them are married, and they have children. And basically I have no brother, so I'm the only one in the house, only one left to be married. So anyways, so by the way, let me tell you that I'm wearing this cap not to be cool or like just for being cool or looking good. I'm wearing this cap because baal kuch zyada aa gaye baalon pe sar pe. So yeah, basically. So guys, abhi mausam bada acha tha to maine socha ki kyun na ek snack grab karne ke liye main market walk karke chala jaun. To aaye aap logon ko bhi saath hi le jata hu. Mood aaya ya nahi? Chale aa jaye, koi baat nahi, le jata hu. गाइज, अभी मैं निकल आया हूँ यहाँ से. बड़ा ऑकवर्ड लगेगा मुझे, वैसे पहली दफ़ा मैं रोड पे वॉक करके व्लॉग बनाने लगा हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, होता रहता है इस तरह. तो अब देख सकते हैं, मैं सबके सामने व्लॉग बना रहा हूँ, कैमरा मैंने पकड़ा हुआ. यहाँ से मैं टर्न लूँगा, मार्केट इधर ज़रा पास ही है, इस वजह से मैं वॉक करने का सोच रहा था, क्योंकि मौसम आपको बताया मैंने अच्छा है बहुत आज लाहौर का. अच्छा, जैसे कि आप देख सकते होंगे, एक मोहल्ले जैसी जगह है, बहुत देसी इलाका है जैसे कहते हैं. अच्छी बात यह है कि साथ साथ घर हैं, अगर कहीं मसला होता है तो आपकी हेल्प के लिए बहुत लोग आते हैं. तो अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ये बस
गाइस, अब मैं वापस जा रहा हूँ घर की तरफ, और एक बेबी लिया और एक जूस लिया, कुछ ज़्यादा लेना भी नहीं था मैंने। तो अब देखते हैं कि घर जा के होता है, घर जा के मिलता हूँ आप लोगों को, आ जाएं। गाइस, आज के ब्लॉग का जो मोटिवेशन लेसन देना था वो नहीं दिया, जिसकी वजह से मैं आया हूँ वापस उस जगह पे जहाँ पे थोड़ी फ्रेश एयर है इस वक्त, और बाकी जगहों पे इस वक्त गर्मी है काफ़ी। सो आज का मोटिवेशन लेसन या हेल्पिंग वीडियो या अवेयरनेस मैसेज कह लें, आज का अवेयरनेस मैसेज ये है कि आपने जो है जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, हैव नॉट्स हैं, जो आपने उनको भी अपने ज़ेहन में रखना है जब आप अपने बारे में सोचते हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तब आप उनका भी सोचा करें जो आपसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। तो आज का मोटिवेशन लेसन तो ये है। सो बात मैंने ये बतानी थी कि मेरे पिछले दिनों CIs अभी भी हो रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन पिछले दिनों मेरा एक एग्ज़ाम हुआ, और कैम्ब्रिज का वो मेरा हुआ, इंग्लिश लैंग्वेज का paper 1 हुआ मेरा पिछले दिनों, और वो जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अच्छा होने का उतना नहीं हो सका, बट शुक्र है आपकी दुआओं से हो गया, एवरेज हो गया, अबव एवरेज नहीं कहूँगा, क्योंकि बेसिकली हुआ यह था मेरे साथ कि मुझे टाइम मैनेजमेंट का अंदाज़ा उतना नहीं रहा। पेपर जो था 2 hours 15 minutes का था, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर था, मुझे लगा 2 घंटे का पेपर है, और दो पैसेजेस बेसिकली अटेम्प्ट करने होते हैं 3 passages के अंदर से, आपने दो पैसेजेस, पहले पैसेज में तो मैंने 1 hour 30 minutes लगा, तो फिर मेरे पास सिर्फ आधा घंटा रह गया था आखिरी पैसेज के लिए, जो कि बहुत कम था मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें आपने काफ़ी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं, काफ़ी अच्छा खासा एनालिसिस करना होता है उस पर। आधे घंटे में मैंने वो आखिरी पैसेज तो कर ही लिया, समहाउ मैनेज कर लिया, लेकिन हुआ ये कि मसला ये हुआ कि जब आधा घंटे में मैंने वो ख़त्म किया तो तब मुझे एहसास हुआ था, मुझे याद आया कि नहीं यार मुझे गलती लगी है, अभी तो 15 मिनट और रहते हैं। लेकिन मसला ये हुआ कि आखिर में मैंने एंडिंग लाइन डाल दी थी आंसर के बाद, फिर मैंने सोचा अगर मैं इसके बाद लिखूं तो एग्ज़ामिनर पे बहुत बुरा इम्प्रेशन जाएगा मेरे पेपर का, और हो सकता है वो मेरे मार्क्स डिडक्ट कर ले ये देख के, इसलिए मैंने सोचा रिस्क नहीं लेते। ये मेरे घर के बाहर एक वर्कशॉप है, और इन भाई का आप ज़रा स्वैग चेक करें। फिर आपके भाई ने सोचा कि चलो कोई नहीं होता है, लेकिन बाकी पेपर्स पे फोकस नहीं। वैसे ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है जो मैंने अभी की है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता आपके पास बुरे मार्क्स आने का, आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आपकी अपनी मेहनत होती है, और एंड पे आपको ही जूते पड़ते हैं। तो गाइस, ब्लॉग तो यहीं तक था, अब अगर आप और बातें मुझसे करवाना चाहते हैं, आई एम सॉरी, पैसे पूरे हो गए हैं और हिम्मत भी इतनी थी, ठीक है। तो आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को जो है ना आप लोगों ने लाइक करना है, ठीक है, इस वीडियो का थम्स अप देना है, कमेंट अगर आपने करना है तो कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। और एक और चीज़ आपने ज़रूर करनी है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ओके, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर, ठीक है। अगर आप पहली दफ़ा मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, और अगर आप एक नए व्यूअर हैं, तो अगर अच्छा लगे आपको, प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स को, ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, कमेंट डाउन बिलो इफ यू लाइक द वीडियो, एंड टिल देन, अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल।